प्रकृति के नियम के बारे में हम हमारे इस ग्रेस सुमित उपाध्याय प्रभु समझने की कोशिश करें। कल हम प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से कर्म के बारे में बताया था, आज हम आशा करते हैं कि आज प्रभु जी प्रकृति के नियम के बारे में अच्छी तरह से हमें समझाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे श्री कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हरे जी। आप सभी का भगवद गीता के इस 5वें सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले 4 दिन से आप लोगों ने बहुत ही उत्साह से ये सेशन अटेंड किए और काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा। और जैसा कि हमने अभी देखा, जो वीडियो हम पहले देख रहे थे उसमें, कि ना केवल भारत में लेकिन बाहर किस तरह भगवान लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, और देखिए किस तरह से वो लोग संकीर्तन कर रहे थे और आजू बाजू जो लोग घूम रहे थे वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, वो भी शामिल हो जा रहे थे कीर्तन में, नृत्य कर रहे थे, धोती पहने हुए, साड़ी पहने हुए हाँ भक्त वहाँ पे। और सब संभव हो पाया श्रील प्रभुपाद की, जो उन्होंने सेक्रीफाइस इतने करे, 70 वर्ष की आयु में पानी के जहाज के जरिए अमेरिका गए और प्रचार किया। साधन ना होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, और किस तरह से उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की लहर दौड़ा दी और एक तूफान खड़ा कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने जो एक भविष्यवाणी की थी कि दुनिया के हर नगर, हर गांव में हरि नाम का जाप होगा, और आज हम देख सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने में भक्त बन गए हैं और वो हरि नाम करते रहते हैं, रथ यात्रा आयोजित करते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। पहले तो केवल हमारे भारत में या रथ यात्रा होती थी जगन्नाथपुरी में, धीरे धीरे पूरे विश्व में इसको फैला दिया। तो इसीलिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए खड़ा कर दिया, अब हमको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म का फायदा लेना है। हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में बुक्स उपलब्ध हैं अभी, तो पहले तो संस्कृत में बुक्स होती थी, कोई कोई हिंदी में बुक आती थी, लेकिन अभी विश्व के सब लैंग्वेजेस में बुक्स आ गई हैं और हर जगह मंदिर, इस्कॉन मंदिर आप देखेंगे तो सब जगह बन गए हैं। तो और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, सिर्फ हमको उसका फायदा उठाना है। तो प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए आज का क्लास हम आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदंतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीं गुरु वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। तो अभी हमारे सत्र के इस कार्यक्रम के 2 सत्र और बचे हैं, और पिछले 4 सत्रों में हमने सीखा, पहले दिन हमने भगवद गीता का इंट्रोडक्शन देखा, परिचय लिया, भगवद गीता की महिमा देखी, और दूसरे सत्र में हमने जो 5 विषय वस्तु, उसमें से पहला विषय वस्तु भगवद गीता का ईश्वर के ऊपर चर्चा करी। उसके बाद हमने अगले सत्र में जीव किस तरह सुख की तलाश कर रहा है उसकी चर्चा करी, और उसके साथ में ही कर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, और उसके बाद हमने चर्चा की कल के सेशन में हमने कर्म का और थोड़ा डीप लेवल पे किस तरह के कर्म होते हैं, कितने तरह के उनके कर्म फल कितने तरह के होते हैं, और किस तरह से व्यक्ति को कर्म बंधन में बंध जाने के बाद इस भौतिक जगत में
कर्म बंधन के जीवन चक्र में फंस जाए और 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी शायद, एक मिनट। वो है स्क्रीन, एक मिनट, इशू आ रहा है मेरे स्क्रीन में। हाँ अभी शेयर होगी। जब आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो आप बताइएगा। अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन आप लोग? ओके सर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया था, उस कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, माफ कीजिए। तो हमने जो कल देखा था उसका थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे रिकैप में, लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न कल के सत्र के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। जैसे कल हमने देखा था कि कर्म जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो कर्म कोई बता सकता है कि जो कर्म के प्रकार है, तीन प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं? मैं बोलूं? हाँ माता जी बोलिए प्लीज। कर्म, विकर्म, अकर्म। हाँ, कर्म, विकर्म और अकर्म, तीन प्रकार के कर्म है। यानी कर्म जो हम शास्त्र संगत हैं और जो प्रकृति के जो भी नियम है उसके हिसाब से जो कर्म है वो है कर्म। उसके अलावा जो विकर्म है वो जो शास्त्र संगत नहीं है या प्रकृति के नियम के हिसाब से नहीं है, वो जो भी कार्य कर्म करते हैं पाप कर्म जो है उसको विकर्म कहा जाता है। और अकर्म यानी डिवोशनल सर्विस, यानी भगवान के लिए करे गए कार्य, उनकी भक्ति में जो कार्य किए जाते हैं, जैसे जप है या भगवान की पूजा है, भगवान की जो भी हम पढ़ते हैं भगवद गीता पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का, सत्संग करते हैं, तो ये सब चीजें हैं जो वो अकर्म में आते हैं। भगवान की सेवा में करे हुए कार्य वो अकर्म के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि मनुष्य कर्म प्राप्त करते हैं और नष्ट करते हैं, यानी हम कर्म करते हैं और उसका प्रतिफल जब हमको मिलता है तब वो कर्म हमारा वो नष्ट होता है। लेकिन जो दूसरे जानवर हैं उनमें कर्म जनरेट नहीं होते, क्योंकि उनका पास चॉइस नहीं होता है, उनका लाइफ पूरा इंस्टिंक्ट बेस्ड रहता है, इम्पल्स बेस्ड लाइफ रहता है। और मनुष्य के पास एक बुद्धि है जिससे वो अलग सही गलत में पहचान कर सकता है, इसलिए उसको कर्म का एक जिम्मेदारी भी उसके ऊपर बनती है और उसमें कर्म जनरेट होते हैं और उसके उसके फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमने देखे थे कि विभिन्न प्रकार के कर्म फल किस तरह तरह के होते हैं, तो हमने कुछ कर्मों के बारे में डिस्कस किया था। तो कोई बता सकता है कि किस किस तरह के कर्म थे, कर्म फल जो थे, किस तरह के कर्म फल हमें मिलते हैं? सामूहिक कर्म जी, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जी बिल्कुल सही, जैसा माता जी ने बताया कि सामूहिक कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। सामूहिक कर्म जैसे हमने कई एग्जांपल देखे थे कि जैसे कहीं प्राकृतिक आपदा आती है जब सभी को एक साथ ही कर्म फल मिल जाता है, सर जो भी व्यक्तियों को एक जैसे कर्म फल मिलना है वो नेचुरल तरीके से उस जगह उनको जमे होते हैं और उनको जैसे विमान दुर्घटना है या इस तरह की और चीजें हैं। और संचित कर्म में हमने देखा था कि वो कर्म अभी जो हमारे पिछले जन्म से अभी तक जमा हो गए हैं लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी उनका हमको जो रिएक्शन आना है वो इस जीवन में नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रारब्ध है यानी वो मैच्योर हो गए हैं, उसके हिसाब से सिचुएशंस आ गई हैं जो हमको उसका रिजल्ट इसी लाइफ में मिलने वाला है। तो ये तीन प्रकार के हमने कर्म फल देखे थे। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से मृत्यु के समय हमारी जो मनोस्थिति होती है उसके हिसाब से हमें दूसरा जीवन मिलता है, हमें वही मिलता है जिसमें हमारी चेतना निवास करती है। तो किसी का प्रश्न हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के समय सो रहा है, उसका तो उस टाइम कुछ चेतना नहीं है, तो फिर उसका क्या होगा? तो जो उसका पूरे जीवन भर जिस ज्यादा चेतना में वो रहा है, जो उसका मेंटेलिटी बन गया, उसके हिसाब से उसको नया शरीर मिलता है। तो जैसे कोई भक्ति करता है
हर समय भक्ति करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसका मृत्यु ऐसे समय हो रही है जब वो उसको कोमा में है या उसका चेतना नहीं है उस समय, तो उसके पहले जो उसकी अपने पूरे जीवन में जिस तरह की उसने चेतना रही है, तो इसीलिए उसको उस तरह का जीवन प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारी चेतना को हमको हमेशा शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए जितने हद तक हम रख सकते हैं। और जीवन की शुद्धि किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए हमने चार चीजें देखी थी जिनको कहा जाता है ABCD, ABCD ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के ABCD, इंग्लिश में ABCD बोलते हैं, हिंदी में एसोसिएशन, इंग्लिश में एसोसिएशन यानी साधु संघ, यानी अच्छी लोगों के साथ संगति बनाए रखना, राइट माइंडेड पीपल के साथ संगति बनाए रखना, लाइक माइंडेड नहीं राइट माइंडेड, जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ईश्वर के बारे में बातें करते हैं, भक्ति के उन भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है, ऐसे लोगों से हमको संग करना चाहिए। और दूसरा था बी यानी बुक्स, बुक्स यानी हमको भगवद गीता भागवतम के जैसे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। और सी था चांटिंग यानी जप करना, मतलब भगवान के नाम का जप करना, जैसे हम अभी अपने सेशन के आखिरी में जप करते हैं थोड़ी देर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का जप करना। और आहार यानि सात्विक भोजन करना, सात्विक भोजन भगवान को चढ़ाना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। तो ये जीवन की शुद्धि के लिए ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ABCD, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट, हिंदी में साधु संघ, पुस्तकें, जाप और आहार। तो आहार के बारे में हम अभी और देखेंगे कि किस तरह से आहार हमारी चेतना को अफेक्ट करता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है प्रकृति। जो प्रकृति है, प्रकृति में तीन तरह के गुण होते हैं, तीन तरह की क्वालिटीज जिसको आप बोल सकते हैं, जो हमारे को हमारे जीव जो भी हैं सब जीवों को हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको इफेक्ट करते हैं। हमारे जो कर्म हैं वो उसी तरह से होते हैं जिन गुणों में हम रहते हैं। तो ये गुण कैसे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, वो हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि इस प्रकृति को देखने समझने के पहले हम आध्यात्मिक दुनिया के बारे में कुछ जानते हैं। आध्यात्मिक दुनिया यानी भगवान का धाम, आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ ग्रह जहाँ पे भगवान का वास है। तो वैकुंठ यानी आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे वैकुंठ ग्रह हैं, और जो सबसे ऊंचा ग्रह है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान स्वयं अपने रूप में रहते हैं और भक्तों के साथ वहां पे अपनी लीला करते हैं। और भगवान अपने धाम के बारे में भगवद गीता में 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में यह भी बताते हैं, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। यानी भगवान ये बता रहे हैं कि जो मेरा धाम है वहां पे धूप चंद्रमा अग्नि या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के तेज से वो सारे ग्रह स्वयं प्रकाशमान है, और वहां पे भगवान अपने भक्तों के साथ अलग अलग उनके भाव के हिसाब से लीला करते हैं। किसी के साथ साख्य रस में, किसी के साथ माधुर्य रस में, किसी के साथ शांत रस में, किसी के साथ में वात्सल्य रस में, इस तरह से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रस में आदान प्रदान करते हैं, और सभी लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वहां पे। तो वहां पे जो सभी जीव आत्माएं हैं वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ है कि यहाँ पे जो जीव है, हमारा ओरिजिनल जो पोजीशन है वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम यहाँ पे माया के कवरिंग में ढके हुए हैं, तो हमको वो ज्ञान नहीं है। लेकिन वहां पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सारे जीव रहते हैं, शुद्ध रूप में सारे जीव रहते हैं, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ है कि सत का अर्थ क्या है, सभी प्राणी शाश्वत हैं। यहाँ पे हमको जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु होती है, फिर अलग अलग योनियों में जाते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होके वहां हमेशा शाश्वत रूप में रहते हैं। और चित्त जो है, यानी हमारे यहाँ भौतिक जगत में हम लोग के ऊपर माया का एक पर्दा है जिसके कारण से हमारा ज्ञान दबा हुआ है, लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं, तो ज्ञान से भर जाते हैं और हम ज्ञान के हर आयाम को जानते हैं। आनंद यानी क्योंकि हम भगवान के साथ वहां पे उनकी सेवा कर रहे हैं, हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं, तो हमेशा हर्षित अवस्था में रहते हैं, हमेशा पूर्ण आनंद रहता है।
सभी जीव एक साथ रहते हैं और वह अपने आध्यात्मिक इच्छाओं को तुरंत पूरा कर सकते हैं वहां पे। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में जो बीच में कमल बना है वो एक्चुअली वो गोलक वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है, और वहां आजू बाजू जो भी आप छोटे छोटे गोले देख रहे हैं वो वैकुंठ में और दूसरे ग्रह हैं जहाँ पे भगवान अपने अलग अलग स्वरूपों में निवास करते हैं। इसके अलावा जो नीचे आप देख रहे हैं वहां पे महाविष्णु लेटे हैं, और महाविष्णु अपनी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकाल रहे हैं। उनकी बॉडी से, उनके श्वास से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और गर्भोदक शाही विष्णु जो है गर्भोदक ओशन में, गर्भोदक सागर में अनंत शेष पे विश्राम करते हैं, और उनके कमल लाल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है हर एक यूनिवर्स, अलग अलग यूनिवर्स में, और फिर ब्रह्मा जी उस यूनिवर्स में क्रिएशन करते हैं। तो यह जो एक छोटा सा गोला देख रहे हैं नीचे में वो हमारा एक ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। तो अभी ये भौतिक जगत की बात आती है, तो भौतिक जगत जो है वो आप यहाँ पे हमारे जो 14 अलग अलग ग्रहों के लेवल हैं, जैसे भूतल है जो हमारा अर्थ है, इसके नीचे के जो प्लैनेट्स हैं उनको जैसे पाताल लोक बोलते हैं। तो पाताल लोक में अलग अलग तरह के लेवल्स हैं, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रासातल और फिर पाताल। और हमारे ऊपर भी बहुत सारे ऊपर के लेवल में प्लैनेट्स जो है वो कौन से, जैसे ध्रुव लोक है, सॉरी भूवर भूवर लोक और उसके ऊपर स्वर्ग लोक, फिर महार लोक, जन लोक, तप लोक, और सबसे ऊंचा का जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो है सत्य लोक, यानी ब्रह्मा जी जहाँ पे वास करते हैं। तो ब्रह्मा जी इस संसार के सबसे ऊपर के प्लैनेट में वास करते हैं, लेकिन इन सारे ग्रहों पे ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याएं जो हमने डिस्कस करी थी पहले कि जीवन की चार जो प्रमुख समस्याएं हैं, ये हर एक प्लैनेट पे रहेंगी आपको। तो इवन आप स्वर्ग लोक जाएं या सत्य लोक भी चाहें, वहां आपका लाइफ की अवधि बहुत बढ़ जाएगी, जीवन अवधि बढ़ जाएगी, जीवन का स्टैंडर्ड बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रॉब्लम्स तब भी रहेंगे। तो ये भौतिक जगत का एक छोटा सा आपको एक झलक है। और यहाँ पे नीचे में गर्भोदक ओशन रहता है, गर्भोदक सागर, जहाँ पे महाविष्णु आप देख रहे हैं उनके नाल से वो कमल निकला जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ये हमने देख लिया किस तरह से आध्यात्मिक जगत है और किस तरह से भौतिक जगत महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं और ब्रह्मा जी फिर निर्माण करते हैं। तो भगवान जब भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, डिसेंड, उसको बोलते हैं अवतार। तो भगवान लीला करने के लिए कई तरह से भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। तो हमने देखा था किस किस तरह से भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, नहीं तो आचार्यों को भेजते हैं, नहीं तो ग्रंथों के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान यहाँ 4.7 भगवद गीता में कह रहे हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है ये, सबको ऑलरेडी पता होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो समय, स्थिति और स्थान के परिस्थिति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से भगवान अलग अलग समय अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कुमार कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार। तो जिस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह का स्थान होता है, जिस तरह का समय होता है, उस समय जिस तरह की जरूरत है उस तरह का भगवान अवतार लेते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि वैदिक ब्रह्मांड के बारे में, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा। एक मिनट, मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। The night sky. The dark blanket above our heads, adorned with shining stars, extending as far as the eye can see. The beauty and the majesty of the universe have inspired awe and reverence in the best brains throughout history. Many millennia ago,
an advanced civilization, revealed the mystery of the origin and nature of the cosmos. The universe is made up of 14 vertically arranged planetary systems, or lokas. In the center of Jambudvip stands the most extraordinary divine golden mountain, Meru. The sun evaporates water from all over the creation and uses it as fuel. The Vedic literatures answer the question whether the cosmos always existed or it had a beginning. On the ocean, Vishnu expansion reclined on a serpent bed. From his navel arose a lotus on which Brahma was born. The superintelligent being, Vishnu, reclining in mystic slumber amid the causal ocean. When he exhales, millions of universes issue from his body and expand until he inhales when all the universes return within him. तो इस वीडियो में ये बताया गया है कि किस तरह से भगवान यूनिवर्सेस को अपने शरीर से निकालते हैं और हर एक यूनिवर्स में गर्भोदकशायी विष्णु विराजते हैं और उनके कमल से किस तरह ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा फिर सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। प्राइमरी क्रिएशन महाविष्णु ने पहले ही सारे ब्रह्मांड निकाल दिए हैं और उन ब्रह्मांड के अंदर सेकेंडरी क्रिएशन है जो वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो और उसके बाद फिर से वापस जो सारे यूनिवर्स हैं, जब प्रलय का समय होता है, पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है, कई बार फुल डिस्ट्रक्शन होता है, तो सारे जो भी ब्रह्मांड है वापस महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि किस तरह से ब्रह्मांड का जन्म होता है और किस तरह से ब्रह्मांड वापस महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रकृति के तीन गुण। तो इनको हम और अच्छे से समझेंगे कि भौतिक प्रकृति में तीन प्रकार के गुण होते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं वो? तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण। यानी तामसिक यानी इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, राजसिक यानी मोड ऑफ पैशन और सात्विक गुण यानी मोड ऑफ गुडनेस। एक मिनट, हाँ। तो प्रकृति के जो ये तीन गुण हैं, इनको हम देख सकते हैं जो भगवान के तीन गुणावतार होते हैं। भगवान के तीन गुणावतार होते हैं वो, जिनको हम त्रिमूर्ति के रूप में भी जानते हैं। आप लोगों को आवाज आ रहा है मेरे? यस। ओके ओके। तो जो भगवान के तीन गुणावतार होते हैं, भगवान अलग अलग तरह के अवतार लेते हैं, जैसे गुणावतार है, पुरुषावतार है, लीला अवतार है, युग अवतार है। तो जब गुणावतार है, वो गुणावतार जो हम जिनको त्रिमूर्ति के रूप में जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान के गुणावतार हैं। तो भगवान ब्रह्मा जो है वो राजसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी मोड ऑफ पैशन का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि उनको क्रिएशन करना रहता है। और आपने देखा होगा जो भी क्रिएटिव लोग रहते हैं बहुत पैशनेट रहते हैं, बहुत उनको अपनी जो भी कला है उसके पीछे बहुत पैशनेट रहते हैं। तो क्रिएशन के लिए राजसिक गुण बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा राजसिक गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रकृति के माध्यम से जीवन पर, जीव पर इस गुण को प्रभावित करते हैं। यानी वह इस ब्रह्मांड के सेकेंडरी निर्माण का प्रभार लेते हैं, माध्यमिक निर्माण यानी सेकेंडरी निर्माण का प्रभार लेते हैं। प्राइमरी जो यूनिवर्सेस हैं वो महाविष्णु के पास से आते हैं और ब्रह्मा जी उसमें सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं और वो राजसिक गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं पे भगवान विष्णु जो हैं वो सात्विक गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीव पर इस गुण को प्रभावित करते हैं। रखरखाव का, मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स जो है, रखरखाव का जो जिम्मेदारी है वो भगवान विष्णु का है। और ये बहुत जटिल पहलू है क्योंकि क्रिएशन तो हो जाता है, एक बार डिस्ट्रक्शन आखिरी में करना है, लेकिन जो बीच में पूरा मेंटेनेंस का जो चलता रहता है इतने सालों तक, वो भगवान को करना पड़ता है और इसकी अवधि भी बहुत लंबी होती है। और आखिरी में
शिव जी जो है वो तामसिक गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीव पर इस गुण को प्रभावित करते हैं, और वह इस ब्रह्मांड के विनाश के प्रभारी हैं। जो आखिरी में डिस्ट्रक्शन होता है, प्रलय जब आती है, तो वो काम होता है भगवान शिव का। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर ये इस गुण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यानी इस गुण के अंतर्गत आते हैं, ये उस गुण का कंट्रोल करते हैं, तो ये सब इन 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 गुणों के ऊपर हैं, लेकिन ये उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। और इन तीनों में हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, जो ब्रह्मा है वो शाश्वत नहीं है, वो लिविंग एंटिटी है, जबकि विष्णु और शिव जो हैं ये शाश्वत हैं, यानी ये एटर्नल है, इनका पोजीशन चेंज नहीं होता है। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं उनका एक शासन काल है, उनके 100 साल बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम काल पढ़ेंगे कल, तब हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी के 100 साल यानी कितना ज्यादा टाइम होता है, और जब उनका 100 साल कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा ब्रह्मा उनकी जगह आते हैं। तो ब्रह्मा लिविंग एंटिटी है इनमें, और बाकी दोनों शाश्वत हैं, और तीनों अलग अलग गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन उन जीव के ऊपर इस गुण को प्रभावित करते रहते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो है प्रकृति के 3 गुण भगवत गीता में कहाँ बताए गए। भगवत गीता में 3.14 तो 3.27 में भगवान बोलते हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। यानी जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तविक रूप में ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जिस गुण में ज्यादा प्रभावित रहेगा वो उस तरह के कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति इग्नोरेंस में है तो ज्यादातर वो उस तरह के कार्य करेगा, अगर कोई व्यक्ति में राजसिक गुण का प्रभाव ज्यादा है तो वो उस तरह के कार्य करेगा, और कोई व्यक्ति सात्विक है तो उस तरह के कार्य करेगा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये 3 गुण हमको नचाते हैं, क्योंकि हम जिस गुण में ज्यादा प्रभाव में रहेंगे उसी तरह के कार्य हम करेंगे। तो कठपुतली के माफिक हम प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, और इन गुणों को भगवान कृष्ण द्वारा मेनली नियंत्रित किया जाता है। और नीचे हम देखेंगे तो फिर उनका डेलीगेशन आता है, जो दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी यानी जो माया शक्ति है भगवान की, वो इन गुणों को यहाँ पे संभालती हैं भौतिक जगत में, और उनका आपने त्रिशूल देखा होगा, वो जो त्रिशूल है वो इन 3 गुणों को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम देखेंगे किस तरह से ये 3 गुणों के क्या सिम्टम्स हैं। तो सत्व गुण में जब हम रहते हैं तब सत्व गुण के कुछ जो सिम्टम्स हैं वो हैं ज्ञान, पापों से मुक्ति, और हम हमेशा एक कामनेस फील करते हैं, बहुत शांत फील करते हैं, और हमेशा तो हमको खुशी का एहसास होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति रजोगुण में प्रधान रूप से रहता है तब उसकी डिजायर्स बहुत अनलिमिटेड डिजायर्स आती हैं, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, वो हासिल करना है, कर्म फल कार्मिक एक्टिविटीज ज्यादा रहती हैं। कर्मी लोग जो रहते हैं जिनको ये लगता है कि हाँ कर्म ही पूजा है, मैं काम करूंगा तो मुझे यह फल हासिल हो जाएगा और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, उस तरह की जो मेंटेलिटी रहती है वो रजोगुण से ज्यादा आती है। अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ये भी एक रजोगुण का बहुत एक सिम्टम है, जो ज्यादा अट्रैक्शन बहुत सारे मैन और वुमेन के बीच में रहता है वो भी एक साइन है रजोगुण का। तमोगुण, तमोगुण में क्या आता है, व्यक्ति क्या आप देखेंगे कि बहुत ही आलसी व्यक्ति है, या जो ज्यादा सोता है, या हमेशा उसको नशे की आदत रहती है, तरह तरह के नशे करता है, मैडनेस पागल व्यक्ति के समान बिहेव करता है, और बहुत अनप्रडिक्टेबल रहते हैं ऐसे लोग, कभी भी कुछ कर सकते हैं, वायलेंट भी हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो सकते हैं। तो ये कुछ हर गुण के एक अलग अलग कुछ सिम्टम्स हैं जिसको आप देख के आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर व्यक्ति हमेशा इन्हीं गुणों में रहता है, वो गुण हमेशा उनका जो मिक्सचर है वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी सत्व गुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी तमोगुण भी प्रधान में हो सकता है। तो हमको हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्व गुण में रह पाए। ये 3 गुण हैं जो वो तीनों ही एक जंजीर के जैसे हैं, यानी तमोगुण को आप समझ लें कि लोहे की जंजीर है, रजोगुण को आप समझ लें कि एक चांदी की जंजीर है, और सत्व गुण को आप समझ लें कि सोने की जंजीर है, लेकिन तीनों ही जंजीर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। तमोगुण में व्यक्ति ज्यादा पाप कर्म करता है, रजोगुण में
उसकी इच्छा होती है अपने जो भी डिजायर्स हैं वो फुलफिल करने की, उसमें वो बहुत पाप भी कर सकता है पुण्य भी कर सकता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो भले ही आप पाप करें या पुण्य करें, आपका इस संसार में बंधे रहते हैं, या तो आप ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे ऊपर के लोकों में, और या पतन होगा आपका, आप बुरे कर्म करेंगे तो नीचे के लोकों में जाएंगे। और सत्व गुण में भी यही है, जैसे आप अच्छे पुण्य कर्म कर रहे हैं तो आप ऊपर के प्लानिट में जाएंगे, लेकिन इस संसार से फ्री नहीं हो सकते। लेकिन हमको अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो एटलीस्ट हमको सत्व गुण के लेवल तक आना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। और जब सत्व गुण के प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं आग यगा एक बार, तब हम भक्ति करते हुए धीरे धीरे सत्व गुण से भी ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में आ सकते हैं। तो ये 3 गुण हैं, और इसके बारे में और डिटेल हम देखते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लिखा गया, ओ सन ऑफ भारत, द मोड ऑफ गुडनेस कंडीशंस वन टू हैप्पीनेस। सत्व गुण में रह के व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। पैशन कंडीशंस वन टू फ्रूटिव एक्शन, पैशन जिसके पास रहता है वो जल्दी कर्म जनरेट करता है ज्यादा से ज्यादा, और हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती है। और जो इग्नोरेंस है, जो व्यक्ति उसको कुछ भी समझ नहीं अच्छे गलत की, उसकी पूरी नॉलेज कवर हो जाती है और वो एक अंधे व्यक्ति के भांति व्यवहार करता है। ये भगवद गीता में 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय में ये पूरा प्रकृति के 3 गुणों के बारे में और अच्छे से समझाया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे गतिविधियां किस किस तरह की होती हैं इन 3 गुणों के अंदर। तो सत्वगुण में अगर आप देखें तो किस समय सत्वगुण प्रधान रहता है, जनरली हम देखेंगे कि कोई भी बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह की पूजा करनी चाहिए, गतिविधियां करनी चाहिए, जप करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत अनुकूल रहता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा जो ध्यान है, मन है, वो बहुत शांत रहता है, क्योंकि हमारे जो भी पिछले दिन के विचार थे वो धीरे धीरे हमारे निद्रा के द्वारा थोड़े गायब हो जाते हैं और हम फ्रेश फील करते हैं। तो सुबह का जो समय है वो सत्व गुण प्रधान समय रहता है। तो इस समय अनुकूल जो गतिविधियां हैं वो है जैसे जप करना, ध्यान, शास्त्र पढ़ना, पूजा कीर्तन और भजन, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है इस समय। और जब आप दिन के समय देखेंगे रजोगुण में, रजोगुण का समय होता है ज्यादा, क्योंकि आप देखेंगे पूरी दुनिया अपने तरह तरह के जो भी बिजनेस है, जॉब पे सब लोग जाते हैं, तो लोग अपने जो भी उनके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं। आजकल आपने देखा होगा स्टार्टअप का जमाना है, तो उसके लिए लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं, तरह तरह का फाइनेंशियल चीजों को बढ़ाने के लिए लोग प्रयास करते रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने की प्रयास करते रहते हैं। तो वो रजोगुण का समय ज्यादा रहता है, और शाम का जो व्यक्त वक्त रहता है वो तमोगुण का रहता है। तब व्यक्ति बहुत थक जाता है और फिर उसको तरह तरह के कार्य, अलग अलग गतिविधियां करता है, कोई आलस्य में सो जाता है या टीवी देख रहे हैं, या कोई व्यक्ति को जुआ खेलना पसंद है, कोई अवैध संबंध के पीछे पड़ा है, कोई बहुत ज्यादा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है। और सोना सोना भी एक इग्नोरेंस का बहुत जरूरी है सोने के लिए, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति में बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं है उसको सोना मुश्किल हो जाता है। तो हल्का सा तमोगुण हमारे अंदर सोने के लिए, आराम करने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे हमारे सोने का भी एक टाइम, अगर आप डॉक्टर से भी पूछो तो वो बोलेंगे कि हाँ इतने टाइम तक सोना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कम से कम 6 घंटे या ज्यादा 6 घंटे सोना चाहिए। और व्यवहार हम देखेंगे तो व्यवहार में किस तरह के व्यवहार रहते हैं। जब सत्व गुण में हम रहते हैं तो हम नेचर को देखते हैं, जब नेचर को देख के बहुत खुशी मिलती है। हाँ, सच्चाई, उदारता, करुणा, दया, बुद्धि, क्षमा और भगवान का आश्रय, ये सब जो क्वालिटीज हैं ये सत्व गुण में पाई जाती है। वहीं पे आप रजोगुण में देखेंगे तो स्वार्थ, बहुत इच्छाएं जो है हमारी स्वार्थ के ऊपर रहते हैं, क्योंकि हम हर चीज को हासिल करना चाहते हैं, जुनून रहता है, पैशन रहता है बहुत, कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हैं उस कारण से, प्रतिस्पर्धा बहुत होती है। जैसे हमने देखा स्पोर्ट्स में स्पेशली आप देखेंगे कितनी प्रतिस्पर्धा होती है, कभी कभी लड़ भी लेते हैं स्पोर्ट्स में, और लालसा और प्रयास करना, आवेग में आ जाते हैं। तो ये सब रजोगुण के ये जो कुछ सिम्टम्स हैं, क्वालिटीज हैं। तमोगुण में जनरली जड़ता होती है, यानी इंसान को एक जगह ही बैठना है, आलस्य करना है, अंधकार में रहता है व्यक्ति, उसको लोभ भी बहुत, ग्रीडी हो जाता है,
और कभी कभी इल्यूजन में पड़ जाता है, झूठी बातों को सच समझ लेता है, अज्ञान रहता है और उसको बहुत, उसका माइंड भी स्थिर नहीं रहता है। तो ये कुछ तमोगुण के लक्षण हैं। तो भोजन संबंधी आदतें, भोजन किस तरह से रहता है सत्वगुण में, जब व्यक्ति रहता है तो उसको भोजन एकदम ताजा भोजन पसंद करता है, पवित्र हो, अच्छी तरह से बनाया गया हो, सफाई से, और भगवान को चढ़ा के भगवान प्रसाद खाता है, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनाज, दालें, सब्जियां, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उस तरह की चीजें वो खाना चाहता है, पचने में जो आसान हो, सरल हो, ज्यादा मसाले ना हो, ताजा तैयार किया हुआ भोजन है, इस तरह के भोजन जनरली सत्वगुण में हमको खाने की इच्छा होती है। रजोगुण में जो व्यक्ति रहते हैं जनरली आपने देखा बहुत मसालेदार भोजन पसंद करते हैं, तले हुए चीजें खाने पसंद करते हैं, जिसमें बहुत जो पंजेंट स्मेल वाली चीजें हैं वैसा खाना पसंद करते हैं, बहुत तीखी चीजों को पसंद करते हैं, बिल्कुल चटकारे वाली चीजें खाना पसंद करते हैं, वो रजोगुण में प्रभाव होता है। और जो लोग तमोगुण होते हैं वो 2 दिन 3 दिन पुराना खाना भी खा लेते हैं, मांस मछली, प्याज लहसुन जिसमें ज्यादा चीजें पड़ी हो, प्रिजर्वेटिव फूड जो आते हैं ना आजकल कि भाई आप बस फ्रिज में रखे रहो, उसको कभी भी बना के तल के खा लो, उस तरह के खाने जो रहते हैं, मछली जो फ्रोजन पता नहीं कब की रखी हुई है वो उनको खा लेते हैं, शराब और नशा और कॉफी चाय, ये सब भी तमोगुण में ये सब चीजें आती हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे, तो ये सब चीजें तमोगुण की आदत आती हैं। और इसके अलावा जीव किस तरह से प्रभावित होते हैं, तो अलग अलग तरह की कुछ आपदाएं हैं या आप क्लेश बोल सकते हैं जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो कौन कौन सी अलग अलग तरह के क्लेश हैं, तो पहला है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक मीन्स हमारे स्वयं के कारण होने वाली, जैसे हमारी बॉडी में कुछ बीमारी हो रही है या हमारे माइंड में कुछ परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, उस कारण से हमें जो क्लेश हो रहे हैं मेंटल लेवल पे और बॉडीली लेवल पे, जो चीजें हो रही हैं जिनके कारण हमें परेशानी हो रही है, वो आध्यात्मिक क्लेश है। इसी के आगे हम देखेंगे तो आदि भौतिक। आदि भौतिक मीन्स संसार की चीजों के, दूसरे जो प्राणी हैं उनकी वजह से जो क्लेश हो रहा है, वो प्राणी हमारे परिजन हो सकते हैं, हमारे सहपाठी हो सकते हैं, हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, जिनसे भी हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर कुछ लिविंग एंटिटीज दूसरी जो है, जानवर हैं, मच्छर है, हाँ, जो हमको परेशान कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आदि भौतिक क्लेश हैं, जो परेशानियां हमें दूसरी लिविंग एंटिटीज के कारण हो रही हैं। और आदि दैविक यानी जो तीसरे तरह के क्लेश हैं वो हैं आदि दैविक, यानी जो आपदाएं नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक तौर पे हो रही हैं, या दैविक शक्तियां, जैसे हम बोलते हैं बारिश है या अर्थक्वेक आ गया है या बहुत गर्मी पड़ रही है, हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। अभी कहीं पे भूकंप आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है या ठंडी है, तो ये सब हम उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये 3 तरह के क्लेश हैं जो हमारे ऊपर प्रकृति के द्वारा फोर्स किए गए हैं। आध्यात्मिक यानी जो हमारे खुद के मन और बुद्धि शरीर के कारण होते हैं, आदि भौतिक जो दूसरे जीव जंतुओं के और दूसरे मनुष्यों के कारण हमारे ऊपर हमको सहन करने पड़ते हैं, और तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक यानी वो क्लेश जो नेचुरल तरीके से हो रहे हैं, प्रकृति के और देवताओं के कारण जो चीजें हो रही हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे एग्जाम्पल पे अर्थक्वेक आप देख सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जब बहुत बाढ़ आ गई है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, इस तरह की चीजें, या कुछ बीमारियां भी आजकल जैसे कोरोना है, आप इसमें ये एक तरह से आदि भौतिक है क्योंकि वो वायरस है, लेकिन अभी हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर, तो आदि दैविक भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है अभी। हाँ हमने तो ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण, अभी हम देखेंगे इसमें कि ये जो 3 विपदाएं हैं, इन 3 आपदाएं जो आ रही हैं, क्लेश जो हमारे को सहन करने पड़ रहे हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया था पिछली स्लाइड में, आध्यात्मिक हमारे शरीर और मन के कारण होती है, आदि भौतिक होते हैं अन्य जीवों के कारण, जंगली जानवर, कीड़े, दुश्मन जो भी हैं, आदि दैविक समय, प्रकृति और देवताओं की शक्ति के कारण होते हैं। आध्यात्मिक में हम देखेंगे कि विकलांगता
एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि कोई विकलांग है या वंशानुगत विकार यानी जेनेटिक जो चला आ रहा है वो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्वास्थ्य या स्वच्छता से संबंधित रोग ये हमारे बॉडी में जो हो रहे हैं ये सब आध्यात्मिक विपदाएं हैं। आदि भौतिक के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग जैसे मैंने अभी बोला था कोरोना, वो ये आदि भौतिक लेवल में आते हैं। और आदि दैविक में बाढ़, आग, भूकंप, सुनामी जो भी है वो आदि दैविक क्लेश के अंतर्गत आता है। और हम देखेंगे मानसिक चिंता और आसक्ति, शरीर रोग, बुखार, दिल का दौरा आदि कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें कि मानसिक चिंताएं होती हैं, आसक्ति होती है, बहुत मोह है किसी चीज से, या शारीरिक रोग है, बुखार, दिल का दौरा, ये सब आध्यात्मिक क्लेश हैं। और आदि भौतिक क्लेश में क्या है जैसे सांप का काट लेना, कोई जंगली जानवर ने हमला कर दिया, या कोई दुश्मन देश ने हम पे हमला कर दिया, लुटेरों ने हमला कर दिया, ये सब आदि भौतिक है यानी दूसरी लिविंग एंटिटीज हमको ये क्लेश कर रही है। और आदि दैविक क्या है, प्राकृतिक क्लेश जैसे भूख, गरीबी या बुढ़ापा। बुढ़ापा भी एक तरह का, हम इसको कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, वो तो आना ही आना है, अभी भूख लगनी ही लगनी है, आप कुछ भी कर लें भूख तो लगेगी। तो ये सब जो चीजें हैं ये नेचुरल चीजें हैं, तो इसलिए इनको आदि दैविक कहा जाता है। तो अभी तक आपको कुछ डाउट आ रहा है इसमें, ये क्या समझ में आया प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं और ये तीन तरह की जो क्लेश है ये समझ में आए या कुछ सवाल हो तो अभी आप पूछ सकते हैं इनके बारे में, ताकि आगे जाने से पहले हमको थोड़ा यहीं पे क्लैरिफाई कर लिया जाए। ओके हम आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक दुनिया में क्या क्या परेशानियां हैं, मेन परेशानी भौतिक दुनिया में यह है कि ये जो भौतिक दुनिया एक तरह से एक मकड़ी के जाले के समान है, इसमें एक बार कोई फंस गया तो उसका निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं यहाँ मक्खी किस तरह से फंस गई है उसमें, अब उसका वहां से निकलना मुश्किल हो गया। तो क्योंकि कर्म बंधन के कारण हम यहाँ पे फंस जाते हैं एक तरह से, क्योंकि हम अच्छाई की अवस्था में हम धीरे धीरे ऊपर के लेवल में जाएंगे, अगर सत्वगुण में भी रहें, केवल सत्वगुण में ही रहें और अगर भक्ति की तरफ ना जाएं तो क्या होगा, धीरे धीरे हम ऊपर के ग्रहों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन ग्रहों पे भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी हैं। तो क्या हो रहा है कि हमको उन प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिल रहा है, हमारा सिर्फ रहने का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। और रजोगुणी जो लोग हैं वो पार्थिव ग्रह पे रहते हैं, मतलब अर्थली प्लैनेट्स पे ही रहते हैं वो लोग। और जो लोग अज्ञान की स्थिति में यानी जो तमोगुणी लोग हैं वो धीरे धीरे नीचे के प्लैनेट्स में जाते जाते हैं, तो नीचे के प्लैनेट्स में जाने पे उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड और घट जाता है और परेशानी की अवस्था में उनको रहना पड़ता है। तो इस चक्कर से छूटने में ये जो तीन कर्म बंधन है उससे छूटना बहुत कठिन हो जाता है, उसके छूटने के लिए हमको आध्यात्म की तरफ जाना ही पड़ता है। तो भौतिक संसार के ये तीन जो गुण हैं और जो हमारे जो कर्म कर रहे हैं हम फल के लिए, उससे इस वृक्ष से कंपेयर किया गया है कि इस भौतिक संसार को, तो जो तीन गुण हैं वो और जो हमारे कर्म हैं फलों के लिए करे हुए कर्म, वो उसके द्वारा ये जो भौतिक जगत का पेड़ है वो उसको पोषण प्राप्त करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई हैं, यहाँ पे ये पेड़ है और इसमें जो एक चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके आप नीचे में सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो पत्तियां बताई गई हैं और वैदिक हिम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिबरेशन वहां पे ऊपर में दिख रहा है, तो हमको वहां इस पेड़ से अगर निकलना है तो भगवान के जो भक्ति करेंगे, भगवान के सेवा करेंगे, भगवान के कार्य करेंगे और धीरे धीरे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सत्व गुण से जब हम ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में आ सकेंगे तभी हम इस पेड़ की जड़ों को काट के लिबरेशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम भगवद गीता 7.27 में देखते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यन्ति परंतपः, यानी
हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही जीव जन्म लेता है वैसे ही डिजायर उत्पन्न होती है तरह तरह की, और वो प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से उसमें डिजायर उत्पन्न होती है, और उन डिजायरों को पूरा करने के लिए वो अलग अलग कर्म करता है, और उस कर्म के कारण वो इस पेड़ में फंसा ही रह जाता है, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है और इस पेड़ की जड़ें काट के बाहर नहीं निकल पाता है। तो ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति करके जब उसे ज्ञान होता है कि मैं जीवात्मा हूँ और मैं भगवान का सेवक हूँ, और मुझे मेरा जो ओरिजिनल पोजीशन है वो भगवान का सेवक है, बनना है, किस तरह से मुझे भगवान की सेवा करनी है, उनके साथ रहना है। शास्त्रों में भी कहा गया जीवेर स्वरूप और कृष्णेर नित्य दास, मतलब जो जीव का ओरिजिनल पोजिशन है वो है भगवान का दास। तो जब वो ये एहसास कर लेता है तब वो इस पेड़ की जड़ों को काट सकता है और लिबरेशन की तरफ यानी मुक्ति की तरफ जा सकता है। तो किस तरह से इन तीनों जो गुण हैं उनसे ऊपर उठा जाए, तो भगवत गीता में कहा गया है 7.14 में भगवान कह रहे हैं, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेवा तरंती ते। तो भगवान बोल रहे हैं प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे किस देवी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? माया शक्ति के बारे में, प्रकृति के तीन गुणों वाली माया शक्ति यानी दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के पास ये इंचार्ज है तीनों गुणों का, डायरेक्ट यहाँ पे भौतिक जगत में इनको गुणों को कंट्रोल करने का, और उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरी माया है वो और मेरी शक्ति से पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप किस तरह से पार कर सकते हो, क्योंकि वो मेरी शक्ति है, तो आप मेरे शरणागत जब हो जाते हो तब आप सरलता से पार कर सकते हो। जब आप मेरे आश्रय में आ गए तब आप इस भौतिक जगत के सागर को, जैसे आप जो तस्वीर में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और भगवान गरुड़ पे आके उसको अपना हाथ दे रहे हैं, तो हमारी भी यही स्थिति है कि भव सागर में हमारे पास कुछ साधन नहीं है, लेकिन हम भगवान की भक्ति जब करते हैं तो भगवान हमको इस सागर से निकाल सकते हैं। तो हमको सॉल्यूशन क्या है यहाँ से बाहर निकलना, कि भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करें और वही हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकते हैं। तो तीन गुणों को काबू पाने के लिए क्या उपाय हैं, तो किस तरह से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, वही व्यक्ति इस गुणों पर काबू पा सकता है जो पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न है। तो भगवान की भक्ति में जो लगा हुआ है वो व्यक्ति इन गुणों पर काबू पा सकता है, जो सभी परिस्थितियों में अमोघ है, यानी किस जीवन की सारी परिस्थितियों में वो धीर रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी परिस्थितियां जीवन में आ रही हैं किस कारण से आ रही हैं, जैसे हमने देखा अभी आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये सब किस कारण से मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है, और वो ये भी जानता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो टेम्पररी हैं, और इसी और उसको मालूम है एक बार जब भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ और भगवान प्रसन्न होंगे तो मुझे यहाँ से आसानी से मुक्ति मिल सकती है। प्रकृति के गुणों की गतिविधियों से परेशान नहीं होना चाहिए, हमको इनसे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया कि सब चीज टेम्पररी है, और अगर आप भगवान की शरण में रहेंगे तब ये चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। जैसे भगवान ने बोला कि आप मेरी शरण में आएंगे तो इन गुणों से आराम से आप भवसागर को पार कर सकते हैं। चेतना को भौतिक से भगवान की गतिविधियों में स्थानांतरण करें, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको हम धीरे धीरे भौतिक से भगवान की गतिविधियों में स्थानांतरित करें। जैसे हम देख रहे हैं कि हम जो हर चीज को भगवान की भक्ति में यूज कर सकते हैं, जैसे हम अभी मैं लैपटॉप से आप लोगों से बात कर रहा हूँ जूम के थ्रू, तो ये सब चीजें क्या है भौतिक जगत की है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल किसमें कर रहे हैं? कई लोग जूम मीटिंग्स आपने देखा ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं और बातें करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग उसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की बातें सुनने के लिए, भगवान का ज्ञान करने के लिए, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जब हम ये भौतिक चीजों को ही भगवान के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं तो हमारी चेतना भी धीरे धीरे भगवान में और अच्छी तरह से स्थापित होने लगती है, और फिर इन गुणों पर काबू करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक माता जी कंप्यूटर पे काम कर रही है, लेकिन क्या कर रही है वो, शायद किसी बुक का ट्रांसलेशन या फिर कुछ लेख लिख रही है भगवान के लिए। एक माता जी यहाँ पे
प्रभु जी एक माइक पे प्रवचन दे रहे हैं, माता जी शायद से कुछ बना रही हैं, और एक प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भौतिक चीजों का यूज करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसके थ्रू हम इन तीनों गुणों पर काबू पा सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं सेल्फ रियलाइज वर्सेस भ्रमित, यानी आत्ममोदित जो व्यक्ति स्वयं को जानता है और जो व्यक्ति भ्रमित है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे कि अर्जुन जब इंद्रलोक की यात्रा को गए तो वहां पे इंद्र से मिलने गए थे, वो जब उनका अज्ञातवास चल रहा था तब, तो वहां पे जब उर्वशी ने अर्जुन को देखा तो वो बहुत मोहित हो गए, अर्जुन इतने सुंदर थे, और उन्होंने उनको प्रपोज किया एक तरह से और बोला कि अपनी इच्छा जाहिर करी। लेकिन अर्जुन ने बोला कि नहीं, आप इंद्र मेरे पिता हैं तो उस हिसाब से तो आप मेरी माता जैसी होंगी। उसके कारण उर्वशी ने उनको श्राप भी दे दिया। लेकिन आप यहाँ देखिए कि वो इतने सेल्फ रियलाइज थे कि वो भ्रमित नहीं हुए वहां पे। और वहीं पे आप अब देखेंगे क्योंकि उनका कृष्ण के साथ में थे वो, तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन था और क्या सही है क्या गलत है उसका वो आसानी से निर्णय कर सके। वहीं पे आप विश्वामित्र के बारे में जब देखेंगे, जब विश्वामित्र एक महान ऋषि हैं, लेकिन जब वो तपस्या कर रहे थे तो पहले उनकी इच्छा क्या थी कि मैं वशिष्ठ से बड़ा ऋषि बनूं। वशिष्ठ से उनकी दुश्मनी हो गई थी और वो तपस्या इसीलिए कर रहे थे, पहले राजा थे लेकिन वो ऋषि बनना चाहते थे, वशिष्ठ से ज्यादा शक्ति अर्जित करना चाहते थे। तो इस कारण से जब वो तपस्या कर रहे थे और जब इंद्र ने सोचा कि अगर वो तपस्या कहीं ऐसा नहीं हो इंद्र का सिंहासन के लिए कर रहे हो, तो उन्होंने मेनका को भेजा, और जब मेनका ने आके ऋषि को मोहित कर लिया, और क्योंकि उनका जो कॉन्शियसनेस थी वो भगवान में ना होके वो कॉन्शियसनेस वशिष्ठ से बड़ा बनना चाहते थे, तो इस कारण वो भ्रमित थे और इसके कारण वो उनके जो भी तपस्या कर रहे थे वो तपस्या संपूर्ण नहीं हो पाई। और फिर काफी साल वो मेनका के साथ रहे और फिर बाद में उनको समझ में आया कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो भ्रमित हो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो ये डिफरेंस है, सेल्फ रियलाइज पर्सन किस तरह से सोचता। दोनों के पास एक जैसी स्थिति थी, लेकिन अर्जुन ने क्या डिसीजन लिया और विश्वामित्र ने क्या डिसीजन लिया। अर्जुन को बोलते हैं भगवान कृष्ण, निर्देश देते हैं भगवत गीता 2.45 में, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो नियोग क्षेम आत्मवान। अनुवाद यह है कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम्हें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, और इस संसार में जो भी डुअलिटीज हैं, द्वैत यानी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, इस तरह के जो भी डुअलिटीज हैं उन सब से चिंताओं से मुक्त होकर तुम आत्मपरायण बनो, यानी अपना स्वयं का ज्ञान प्राप्त करो। और इस तरह से हमारे जीवन में भी कई विरोधाभास आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि हम बहुत सारे अधिक खरीदते हैं लेकिन आनंद हमको कम आता है उसमें, हमारे पास बहुत बड़े बड़े घर हैं लेकिन अब परिवार छोटे हो गए हैं, हमारे पास ज्ञान तो अधिक है लेकिन निर्णय कम है, हमारे पास दवा अधिक है लेकिन स्वास्थ्य कम है। हमने सीखा है कि किस तरह से जीवों का अर्जन करना है, यानी किस तरह से पैसा कमाना है, लेकिन किस तरह से जीवन जीना है ये अभी हमको नहीं पता चला है। तो इन सब विरोधाभास को सही करने के लिए हमको इन प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, और तब हमको सही रूप से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज का सेशन का हमारा ये पूरा हो गया है और हम चैंट करेंगे कुछ समय के लिए। तो आज हम एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें हम चैंट करेंगे। एक मिनट के लिए मैं वीडियो लगाऊंगा, 2-3 मिनट के लिए हम चैंट करेंगे और फिर आगे का देखेंगे कि कल क्या होगा, और प्रश्नोत्तर लेंगे उसके बाद। तो पहले मैं पंचतत्व मंत्र बोलूंगा, उसके बाद आप सब लोग अपनी आंखें बंद करके प्रभुपाद के साथ में चैंटिंग कर सकते हैं। लगभग 2-3 मिनट की हम चैंटिंग करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अभी हमारे बैच में कोई ऐसा है जो पहले चैंटिंग ना करता हो और अभी क्लासेस अटेंड करने के बाद किसी ने चैंटिंग शुरू किया हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी चैंटिंग शुरू किया हो? ठीक है, तो अगर आप लोग चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो चैंटिंग शुरू करिए, कम से कम एक राउंड आप लोग करें। और हम लोग सुबह 6 से 8 हम लोग डेली चैंटिंग करते हैं, सेशन है हमारा, तो हम ग्रुप में डालेंगे। अगर आप लोग अटेंड करना चाहें, थोड़े समय के लिए भी आके एक राउंड भी चैंट करना चाहें सुबह, तो आप लोग हमारे जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं सुबह, जहाँ पे हम लोग रोज डेली 6 से 8 चैंटिंग सेशन रखते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है सुबह सुबह चैंटिंग करना, तो ग्रुप में उसका डिटेल हम शेयर करेंगे। और कुछ अनाउंसमेंट और भी मैं करना चाहता था कि कल हमारा आखिरी सेशन रहेगा, जो कि काल के ऊपर रहेगा, और उसके बाद शुक्रवार के दिन, शुक्रवार कल ही है, परसों यानी सैटरडे, राइट? ओके, तो परसों सैटरडे को 7 से 8 एक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सभी, अभी आपको जैसे मालूम है कि 11 अलग अलग भाषाओं में भगवद गीता का ये 6 दिवसीय सेशन चल रहा है, तो बाकी लोग भी अलग अलग भाषाओं के ग्रुप वाले लोग भी सब, टेंपल में एक प्रोग्राम रहेगा, जूम मीटिंग के थ्रू ही रहेगा, सब लोग शामिल होंगे उसमें। और उसमें सर्टिफिकेट्स के बारे में डिटेल दिया जाएगा कि कब आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे,
और क्या जो एडवांस कोर्स होगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी, सब भक्तों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा, कीर्तन होगा, काफी अच्छा प्रोग्राम रहेगा 7 से 8 परसों, तो उसका डिटेल भी हम आपको भेजेंगे। उसके अलावा जो आपके सर्टिफिकेट्स के लिए गूगल फॉर्म भी आपके हम लोग भेजेंगे, जो अगर ग्रुप में नहीं है कोई तो कृपया ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। रवि प्रभु, आप ग्रुप का मीटिंग लिंक भेज सकते हैं क्या, इनवाइट लिंक चैट में डाल सकते हैं क्या? ओके प्रभु जी, डालता हूँ। तो अगर आप ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो गूगल फॉर्म जो सर्टिफिकेट के लिए डिटेल्स के लिए रहेगा वो हम वहीं पे भेजेंगे, अभी तक हमारे पास आया नहीं है, जिससे हम आप लोग सर्टिफिकेट्स के अपना डिटेल डाल सकते हैं, क्या नाम से, पूरा नाम, आपका ईमेल एड्रेस, ताकि जहाँ भेज सके हम सर्टिफिकेट आप लोगों को। और उसके अलावा एक छोटा सा टेस्ट रहेगा, टेस्ट सिर्फ आप लोगों के खुद के आकलन के लिए है, उसका कोई सर्टिफिकेट से लेना देना नहीं है। तो ये सेशन जब खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तो आप उसमें थोड़ा सा अपना देख सकते हैं कि जो 6 दिन में आपने सीखा तो कितना आपके समझ में आया है। तो वो सिंपल टेस्ट या मल्टीपल चॉइस टेस्ट, तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो कल का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा काल, काल यानी समय। और हम ये भी देखेंगे जप के ऊपर, कल हम और थोड़ी देर जप करेंगे, और हमारे पूरे कोर्स में क्या क्या हुआ उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, और एडवांस कोर्स के लिए हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो सब देखेंगे, और जो अभिनंदन समारोह होने वाला जो परसों, उसके लिए हम और डिटेल कल आपको बताएंगे। तो ये हमारा कल का पूरा प्रोग्राम रहेगा। और अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, जो भी आज के सत्र के बारे में या पहले के सत्रों के बारे में भी आपका कोई प्रश्न है आप यहाँ पूछ सकते हैं, तो आप अनम्यूट करिए और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कल एक माता जी ने मुझे ऐड करने के लिए बोला था, माता जी मैं भूल गया और मैंने वो चैट बंद कर दी, और बाद में मैं वो नंबर मुझको ना मिल पाया। ओके तो अभी ग्रुप इनवाइट रवि प्रभु दे रहे हैं, तो आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी नंबर अगर रवि प्रभु को डायरेक्ट मैसेज कर देंगे तो वो आपको ऐड कर देंगे। मुझे अभी गूगल में से नहीं आया है, वो कल आएगा। प्रभु जी मुझे रिकॉर्डिंग्स चाहिए, हाँ वो जो कुछ भी डिस्कोर्स हुआ ना अभी, वो सब रिकॉर्डिंग्स जी माता जी, चाहिए प्लीज जी मा ये। आप मुझे अभी आपका नंबर रवि प्रभु को मैसेज कर दीजिए, तो वो आपको ऐड ओके कर लेंगे। वैसे मैं ग्रुप इन लिंक भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके ताकि जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर सकें। फिर भी आप एक बार नंबर डायरेक्ट अभी मैं मैसेज नंबर लिख देती हूँ, अभी ज्वाइन कीजिएगा मुझे भी। जी, आप और नंबर लिख दीजिए, रवि प्रभु आप नोट कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपने नोट कर लिया है, क्योंकि कल मिस हो गया था। अभी लिख लेती हूँ। मैं लिंक वैसे डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, मैं कॉपी कर रहा हूँ लिंक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी ये सेशन कर रही हैं ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सच में बहुत ही खुशी हुई मुझे ये सेशंस ज्वाइन करके, बहुत सी चीजें नहीं पता थी जो क्लियर हुई। और जी एक माता ये मेरा जी, प्रश्न है कि इसके आगे भी कुछ कोर्स है क्या? जी माता जी, हम इसके बाद जो एडवांस कोर्स करेंगे उसमें हम और ज्यादा डिटेल में ये सारी चीजें देखेंगे, जो अभी अभी हमने जो 6 दिन में, तो आपको भी मालूम है कि ये जो ज्ञान है इतने 6 दिन में तो एक सिर्फ ग्लिम्स हम देख सकते हैं, और लेकिन हम धीरे से और भी धीरे धीरे हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में, और उसके थ्रू हम बहुत इससे और डीपर लेवल पे हम देख सकेंगे। इनवाइट लिंक, एक मिनट, मुझे फोन में, एक मिनट, मुझे एक मिनट देंगे तो मैं अपने फोन से इनवाइट लिंक निकाल सकता हूँ। जी
ओके, तो किसी और का कुछ और प्रश्न? जय श्री कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये आप चैंटिंग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे ना, तो जब भी आपने चालू किया तभी मैंने चालू कर दिया। 108 माला मोतियों का मेरे पास माला है, तो मैंने शुरुआत कर दी है। लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा करूंगी ना मैं जाप, तो थोड़ा सा मन इधर उधर चला जाता है मेरा, फिर जाप पर आ जाता है, फिर थोड़ा सा इधर उधर ऐसा चल रहा है अभी। बिल्कुल, ये तो कोई मुश्किल नहीं है माता जी, हम लोग भी करते हैं जब, तो हमारा माइंड का जो नेचर है वो ऐसा ही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो जाना कम हो जाता है। जैसे आप शुरू में जब करेंगे तो बहुत ज्यादा इधर उधर जाता है, लेकिन ये मन को नियंत्रित करना, मंत्र का अर्थ ही होता है मनस त्रायते इति मंत्र, यानी जो हमारे मन को कंट्रोल कर ले उसको मंत्र बोलते हैं। तो हमारी हाँ। संस्कृत बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, हर चीज का ना जो शब्द बने हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से बने हैं, कि मंत्र का अर्थ ही है मनस त्रायते इति मंत्र। तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। उसका कंट्रोल करने के लिए एक और तरीका मैं आपको बोलूंगा कि जैसे जब हम हमारे मन में विचार किस तरह के आते हैं, कि जो हम दिन भर करते हैं उसी तरह के हमारे विचार आते हैं। तो अगर हम भगवान के रिलेटेड एक्टिविटीज में लगे रहते हैं दिन में ज्यादातर, तो क्या होता है कि फिर हम जब जप करेंगे तो भी हमें भगवान का ही ध्यान आएंगे, भगवान का चरणों का ध्यान आएगा, भगवान का स्वरूप दिखेगा, मूर्ति का मूर्ति जब हम आर्च वगैरह को देखते हैं तो हमको जो रूप दिखता है वही हमारे मन में आएगा। तो इसी कारण से हमको इसी तरह के हमेशा चीजें करते रहनी चाहिए, एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज से हमको भगवान का स्मरण है तब हमारा मंत्र में ज्यादा मन लगता है। ये मैं एक हाँ। जैसे अगर आप सोचिए कि अगर एक आदमी कोई पिक्चर देख के आया तो उसके मन में वही घूमता रहता है, वो जब करने भी बैठेगा तो पिक्चर के ख्याल आते रहेंगे। वहीं उसने एक भागवतम का क्लास सुना है तो उस क्लास में से कुछ उसको याद आएगा। हाँ। तो अच्छा सर, सब सेशंस मुझे बहुत अच्छा, पहली बार मैंने सुना लाइफ में अपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या होता है ना, ये जो टाइम है ना गुरुजी, ये जो अपना 7 बजे चालू होता है, तो ये जैसे काम करते करते मैं सुन रही हूँ। जैसे मुझे ऐसे मन में था ना कि मैं पूरा फोकस ही आपके ऊपर करूँ, कि आपका हर एक मतलब एक भी सेंटेंस जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चला गया ऐसे। या आपने बीच में स्लाइड्स दिखाते हैं तो मुझे वो कॉपी करने थे लेकिन हो नहीं पाए। जी 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 जी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स जो भी है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप ग्रुप में हैं? हाँ है जी जी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी शेयर की हूँ यार, दो रिकॉर्डिंग्स तो दिखी मुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं मेन लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे सारी अवेलेबल है तो आप वहाँ देख सकते हैं। मतलब मैं वापस फिर से सुनना चाहूंगी आपको। जी जी, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी सारी रिकॉर्डिंग्स और आप वहां पे सुन सकते हैं जी। तो अभी जी। मैं लिंक ऑलरेडी आज गोपीनाथ प्रभु ने शायद शेयर करे हैं 2-3 रिकॉर्डिंग के, लेकिन मैं आपको मेन लिंक भेज दूंगा। मेन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सारी भाषाओं के दिए हुए हैं, वहां पे आप हिंदी में सुन सकते हैं, हिंदी के जी, आपको जी। मिल जाएंगे। ठीक है माता जी, मैं चेक करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने ध्यान से सुन रही हैं सारी सत्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ सुनने रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो बीच में आप कथाएं बोली, वो मैं तो पहली बार सुन रही थी, मैंने कभी सुना नहीं था, कभी सुनने की मतलब ध्यान भी दिया कोरोना के टाइम के पहले, मुझे नहीं याद ऐसे, तो अभी थोड़ा सा वक्त मिल रहा है तो फिर सोचती हूँ कि मतलब हमको ध्यान देना चाहिए। सब बोलते हैं कि गीता में अपना लाइफ का सार है, पूरा जीवन सार है, तो बोले कि हम खुद ही पहले सीख लेंगे, सोचेंगे कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। जी जी, तो जिस तरह जीवन का सार है इसमें गीता में, जिस तरह हमको हर चीज का अलग अलग, जो हम कुछ गैजेट्स लेते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है ना, जैसे टीवी लेते तो टीवी का एक पुस्तक आता है कि किस तरह से ऑपरेट करना है, इस तरह हमारे को जीवन मिला है और जीवन के साथ शास्त्र मिला है, मतलब जीवन किस तरह से जीना है, तो भगवद गीता से हमको पता चल सकता है। तो जब आप उसके हिसाब से जीवन जियेंगे तो सब कुछ अच्छा रहता है। जैसे अगर हम बिना कुछ मैनुअल पढ़े कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज को ऑपरेट करें तो खराब होने के चांसेस रहते हैं ना, तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम
जो शास्त्र, जो भगवान ने स्वयं जो बताया है कि किस तरह से हमको हमारा जीवन जीना है, तो उससे हमको सफलता की जरूर प्राप्ति होगी। समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, शुरुआत तो की है। जी माता जी, ये शुरुआत ही तो सबसे अच्छी बात है कि जो मानव जन्म मिला है हमको ये क्वेश्चन करने के लिए ही मिला है कि हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, और हम किस तरह से इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो ये कोशिश जो शुरुआत की है आपने, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्म, मतलब जो अच्छा कार्य है वो यही है कि इस तरह की इंक्वायरीज की जाए, इसे शुरुआत की जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो शुरुआत हो गई है तो आगे की जर्नी भी अच्छी होगी। जी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? जी माता जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि वो आदि दैविक आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक जो व्याधि हमको मिलता है वो कर्म के हमारे यहाँ कर्म के अनुसार ही मिलता है क्या? और जी, कर्म के हिसाब से ही वो सारे सब तरह की जो आपदाएं हैं वो उनका प्रभाव हमारे ऊपर हमारे कर्म के कारण होता है। और कर्म नहीं, किस वो आदि दैविक है ना, वो सबको मिलता है ना, लाइक एवरीबॉडी सभी को मिलता है ना, एक एक जैसा। हाँ, तो आप देखें जब ऐसी आपदाएं आती हैं तो एक कुछ लोगों पे उनका प्रभाव नहीं भी होता है। जैसे आप देखें कि कहीं बाढ़ आ जाती है तो कुछ लोग डूब जाते हैं लेकिन कुछ लोग बच भी जाते हैं उसमें। तो ऐसा सब जगह देखा गया है कि कोरोना भी अभी हुआ जो आपने देखा, आदि भौतिक जो आया तो उसमें से कई इतने वृद्ध लोग भी बच गए जिनको कोई लगता था कि इनको अगर हो गया तो बचने की कोई संभावना नहीं, और वहीं इतने कुछ कुछ जवान लोगों की मृत्यु हो गई जो एकदम फिट दिखते थे, और उनको देख के हमको भी लगता था कि अरे इनके जैसा फिट रहना चाहिए, कितने अच्छे से अपने को मेंटेन करते हैं, लेकिन कोरोना आया और 2 दिन के अंदर खत्म हो गए। तो जी ये सब चीजें हैं जो वो कर्मिक रिएक्शन के कारण भी होता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी अचानक से एकदम खराब हो जाता है चीजें, और किसी का अचानक से कुछ भला भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है कि बहुत गरीब परिवार से आए हैं लेकिन आज बहुत अच्छी जगह उन्होंने प्रगति कर ली, तो वो उनकी जो कर्म है वो भी है और भगवान की कृपा भी है। हाँ, और ये जो जो कुछ भी लोग वो कोरोना से मर गए हैं ना, तो उनका लाइफ स्पैन अभी भी पूरा नहीं होगा ना, तो उनका क्या होगा, वो किधर जाएंगे करके? अब नहीं, ये तो ये सब चीजें जी निर्धारित है माता जी। जैसे ये सब चीजें, मृत्यु जो है वो निर्धारित होती है। सिर्फ उतना एक ही केस था, में हम देख तो सकते उन हैं जैसे लोगों का जो, लाइफ स्पैन उतना ही था। जी, और लेकिन एक 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 एक्सेप्शन में हम देखते हैं जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन भगवान की तरफ से खत्म नहीं, वो स्वयं का शरीर खत्म कर लेते हैं, इस तरह का शरीर को यूज करने के लायक ही नहीं छोड़ते। तो उनका जो इस तरह की मृत्यु होती है उसके बाद उनको, जब तक उनका टाइम स्पैन खत्म नहीं होता, उनको भटकना पड़ता है। तो उनकी आत्मा जगह जगह भटकती रहती है क्योंकि ग्रॉस बॉडी उनका खत्म हो गया है। अब उनके लिए जो अलोकेशन होना था, दूसरे बॉडी का जो अलॉटमेंट होना था, वो समय के अनुसार होगा, लेकिन अभी उनके पास कोई शरीर नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर में, यानी आत्मा के ऊपर उनके मन बुद्धि अहंकार की जो कवरिंग है उसको और बोलते हैं कि ये भूत। बोलते हैं कि आत्महत्या करने वाले लोग को अच्छा जिंदगी नहीं मिलती आगे, नहीं, और क्योंकि वो अंधेर तमस में चले जाते हैं, ऐसे मैंने सुना है। क्योंकि या क्योंकि आपको मानव शरीर मिला किस लिए मिला? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको इसलिए मिला कि आप अपने को जान पाओ, क्यों इस भौतिक जगत में आप फंसे हो, अपनी लाइफ को सुधार सको, और आपने उस मौके को इस तरह से गवा दिया, तो इसलिए उनके लिए तो बहुत कठिन हो जाता है आगे। उनको पहले तो पीड़ा झेलनी पड़ती है कि एक आत्मा के रूप, प्रेत आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं, और फिर जब जो अगला जीवन मिलेगा वो भी उसी तरह से मिलेगा, तो बहुत कठिन हो जाता है उनके प्रभु जी मैंने डाल दिया है मेरा नंबर, रवि जी लिए। रवि प्रभु, आपने माता जी को क्या? ऐड कर लिया क्या, या नंबर नोट कर लिया? माता जी का नाम हेमा मंजुनाथ प्रभु जी। हाँ, हेमा मंजुनाथ। चैट वो चैट में डाला माता जी आपने? में डाल दिया मैंने। ओके माता जी। और हाँ प्रभु प्रभु, जी, एक्चुअली सर्टिफिकेट, गूगल सर्टिफिकेट पूछा ना आपने प्रभु जी? कृपया रिकॉर्डिंग्स भी भेजिएगा। हाँ हाँ प्रभु। हाँ माता जी, एक गूगल सर्टिफिकेट पूछा था प्रभु जी आपने? गूगल क्या प्रभु, सॉरी, सर्टिफिकेट पूछा था ना? लिंक नहीं लिंक लिंक गूगल सर्टिफिकेट लिंक पूछा था ना आपने? नहीं माता जी को ऐड करने के लिए बोला था मैंने, अपने चैट का लिंक पूछा था। अभी आप एक काम करिए, वो लिंक तो मैंने डाल दिया ऑलरेडी चैट में, आप सिर्फ ओके माता जी का जो नंबर दिया है, माता जी का वो नंबर ओके अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए।
या तो आप मुझे भेज दीजिए नंबर माता जी का, तो मैं ऐड कर लूंगा। व्हाट्सएप पे भेज दें अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो, व्हाट्सएप पे मैं नोट कर लिया हूं। ओके ओके ओके, धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ फीडबैक देना चाहें या कुछ सुधार के लिए कुछ बोलना चाहें? सुरेंद्र प्रभु, स्वाति माता जी, श्रुति माता जी, सपना माता जी, राधा माता जी, पूजा माता जी, गिरजा माता जी, अर्पिता माता जी, कुछ प्रश्न या कुछ सुधार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? लिंक हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप जो ग्रुप में नहीं है वो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट्स के लिए जब हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे गूगल फॉर्म की तो वो ग्रुप में आएगी, तो आप वहां से अपने अपडेट्स डाल सकते हैं, अपने डिटेल्स डाल सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं ताकि आपको सर्टिफिकेट पहुंच सके। तो चैट में जी माता जी, वो यूट्यूब का लिंक भी भेजिएगा क्योंकि हम सबको उपयोग होगा है तो। जी माता जी, आपको यूट्यूब का मैं लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। वैसे आपको अगर हाँ व्हाट्सएप पे ही सही रहेगा, ऐड करके भेज देता हूँ, नहीं तो आपका ईमेल एड्रेस भी है शायद से आपने जो ज्वाइन, ईमेल एड्रेस भेज दूं मैं? ईमेल एड्रेस भेज दीजिए अगर उस पे भी भेज सकते हैं, ताकि आपके पास रहेगा तो आप आराम से ईमेल खोल के कभी भी देख सकते हैं। अभी भेज देती हूँ चैट से। और आपका जो डिस्कोर्स ना सब अच्छे थे, एक भी मिस नहीं करना चाहती थी मैं, इतना जी अच्छा। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी बाकी का जो आपने पहले, आप शायद इंग्लिश ग्रुप में देख रहे थे ना? हाँ इंग्लिश में देख रही थी और बाद में थर्ड डे में ज्वाइन की, यस्टरडे फर्स्ट डे था। ओके ओके, तो बाकी दो रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। और आगे हम जब एडवांस ग्रुप में जाएंगे तो एडवांस क्लासेस जो हमारी रहेंगी वो संडे टू संडे रहेंगी, ताकि आप पूरे वीक में उसको समझ सकें अच्छे से, उस पर चिंतन कर सकें, तो संडे टू संडे रहेंगी तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं माता जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सभी आप लोग इतने प्रेम से, इतने अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, और भगवान के प्रति जानने की इतनी उत्सुकता है, तो उस कारण से बहुत खुशी होती है। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो हम फिर आज का यहाँ सत्र समाप्त कर सकते हैं। रवि प्रभु, माता जी का ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा। आपने भेज दिया माता जी? हे माता जी, आपने भेज दिया? भी नहीं भेजा प्रभु, देखेंगे प्रभु। ठीक है प्रभु जी, भेज रही हूँ अभी। ओके ओके ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सत्र में हम समय के ऊपर चर्चा करेंगे, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। काल के प्रभाव से सभी चीज नष्ट होती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजा, जिनको बहुत घमंड था अपने बल पे, सिर्फ समय के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो काल का किस तरह से प्रभाव रहता है, काल भी भगवान का ही एक स्वरूप है, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और फिर हमारे बाकी के एडवांस कोर्स के बारे में और अभिनंदन समारोह के बारे में भी कल आपको और डिटेल्स देंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने भेज दिया, अब मिला क्या ईमेल एड्रेस? रवि प्रभु प्लीज नोट कर लीजिए। नोट कर लो। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी।